ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग एक महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है HBZ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन है HBZ। इसका पूरा नाम पहले लिख लीजिए, हेल वोल्हार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। इसको जो है हैलोजेनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो लिख लीजिए हैलोजेनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, RCOOH भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां कर दीजिए RCOOH। अब इसमें बच्चों कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के वैसे मेंबर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन। अब कहता है वैसा अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा R CH2 COOH। ये जो है बच्चों ए अल्फा कार्बन हो गया फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पहले वाला कार्बन को, और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ इस हाइड्रोजन को इसको इस प्रकार से इंडिकेट कर दीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा, अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये तो समझ में आ गया। इसका रिएक्शन जो है रेड फास्फोरस स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, प्लस हैलोजन X2 लेना है, और X के जगह पर ध्यान रखेंगे क्लोरीन या ब्रोमीन का इस्तेमाल करना है, और इसके साथ वाटर का इस्तेमाल करना है, तब जाकर के बन जाएगा RCHXCOOH। इसको कहेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हो गया बच्चों रिएक्शन। अब इसको समझना है, समझने के लिए मैकेनिज्म को जानना जरूरी है, तो आइए हम लोग मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म अब कहता है कि फास्फोरस तो पहले हैलोजन से रिएक्शन करता है और बनाता है PX5 भी बनाएगा, दोनों का इस्तेमाल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड। अब इसका रिएक्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा RCH ऐसे लिख दीजिए C OOH। अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा है ना कि ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी एसिडिक नेचर होता है, और ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन है तो मोर एसिडिक होगा, और स्वाभाविक है कि ये दोनों में पहले ये हटेगा, रिप्लेस होगा कि नहीं, तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं है ना। इसका रिएक्शन जो है PX3 से करवा देते हैं, और PX3 से जब करवाएंगे तो कहता है कि एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी RCH2COOH। इसको कहेंगे एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड भी बोलिए। चलिए तो बन गया, अब सिर्फ बचा अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां ध्यान दीजिएगा दूसरा स्टेप में RCH C OOH। ये जो है बच्चों यहाँ टॉटोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लिख दीजिए टॉटोमेरिज्म, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है बॉन्ड जो है इस दोनों कार्बन के बीच शिफ्ट करेगा, और जब दो कार्बन के बीच शिफ्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा OH X। ये हो गया इनॉल फॉर्म। चलिए दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में हम लोग देखते हैं RCH डबल बॉन्ड है, यहाँ जो है आपका OH है, यहाँ X है। इसका रिएक्शन होगा X2, यानी
यहाँ पी एक्स थ्री है जिसमें एक एक्स का इस्तेमाल, दो एक्स एक्स टू बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए एक पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तब यहाँ जो है ये पार्शियल निगेटिव जो है ओ एच के एच पर अटैक करेगा जिसके कारण एच सी एच एक्स बन के निकलेगा, और ए जो है इस पर अटैक करेगा यानी आर सी एच एक्स, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ जो है डबल बॉन्ड ओ एक्स हो गया। अब बच्चों आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, वाटर से रिएक्शन होगा यानी आर सी एच एक्स सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। अब यहाँ जो है H2OH OH OH पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, कुछ नहीं करना है। H जो है ये जो है रिलीजिंग ग्रुप है, X आसानी से रिलीज होगा यानी A दोनों आसानी से आपका निकल जाएगा और OH यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएगा यानी CH X C डबल बॉन्ड हो OH, इसको कहेंगे अल्फा हाइलो हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो बनाना है बच्चों, और बन गया, कितना आसानी से बना हो तो आप देख ही रहे हैं। रेगुलर क्लास कीजिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।